अभी तुम्हारा जीवन होश पूर्ण है अथवा नहीं, अभी तुम्हारा जीवन बिल्कुल होश पूर्ण नहीं है, बेहोशी में है, तुम सब गहरी नींद में हो, पूरा जीवन गहरी नींद में सोते हुए बिता देते हो, गहरी नींद में सोते हुए ही तुम जवान हो जाते हो, बाल बच्चे भी पैदा कर लेते हो, मकान दुकान भी बना लेते हो और ज़िंदगी के सारे काम भी सोते सोते करते हुए चले जाते हो। अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई 65-70 साल की ज़िंदगी में एक व्यक्ति 3 से 5 मिनट तक होश में जीता है। कुल 3 से 5 मिनट तुम होश में आते हो, वो भी कब, जब कोई बहुत बड़ा खतरा तुम्हारी ज़िंदगी में सामने आ जाता है तब तुम होश में आ जाते हो। खतरा गया, होश गया, 3 से 5 मिनट, बाकी तुम्हारा जीवन बेहोशी का। इसीलिए सदगुरु का काम बहुत कठिन है। तुम सोचते हो कि गुरु जी हर महीने बुलाते हैं, आखिर जो बताना चाहते हैं एक बार में क्यों नहीं बता देते। मैं अंतर हृदय से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी सिखाना नहीं चाहता हूँ। अगर कुछ सिखाना होता तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बुला के एक साथ सब सिखा देता। सदगुरु का काम कुछ सिखाने का नहीं है, सदगुरु का काम तुम्हें जगाने का है। सदगुरु जगाता है, नींद तोड़ता है, और नींद तोड़ने के लिए सबसे पहला काम, जो कुछ तुमने सीखा है अब तक उसको भुलाना पड़ता है। उन सारी चीज़ों से जो तुमने धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, सदगुरु के नाम पर इकट्ठा कर रखा है अपनी खोपड़ी में, जिस बोझ से तुम दबे हुए हो, पहले सदगुरु उस बोझ से तुम्हें मुक्त करना चाहता है। लेकिन तुम्हारी आदत जन्मों जन्मों से ऐसी पड़ी है कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते हो जो तुमने इकट्ठा कर रखा है। कोई कितना भी समझाए कि ये कचरा है, कोई कितना भी समझाए कि इससे आज तक तुम्हें कुछ नहीं मिला है और आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और तुम्हें ही नहीं, जिनको देख के तुमने ये सब कचरा इकट्ठा किया है उनको भी आज तक कुछ नहीं मिला है और आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, इसके बावजूद तुम उसे छोड़ने को तैयार नहीं। जर्मनी का एक बड़ा प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, सारी दुनिया में संगीत सिखाने के लिए उसकी ख्याति थी, वो बड़ी फीस लेता था संगीत सिखाने की। लेकिन जब संगीत सिखाने के लिए एडमिशन्स करता था, प्रवेश लेता था, तो इंटरव्यू के समय पूछता था कि अब तक तुमने संगीत सीखा है, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है अथवा नहीं है। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो काफ़ी ज्ञान है, मैं बहुत दिन से अभ्यास कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी सीख रखा है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी ख्याति सुन रखी है इसलिए आपसे सीखने आया हूँ, तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो काफ़ी पहले से सीख चुके हैं उनसे वह दूनी फीस लेता था, और जिन्होंने अभी तक संगीत सीखना शुरू ही नहीं किया था उनसे आधी फीस लेता था। लोग पूछते थे इसका कारण क्या है, वो कहता था कि इसका कारण सिर्फ इतना है कि जिन्होंने इतना सारा सीख रखा है, पहले मुझे उन पर मेहनत करनी पड़ती है कि जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको कैसे मिटा दूँ, कैसे उसे भुला दूँ, कैसे वह उसको पहले भूल जाएँ, तो उसको मिटाने की भुलाने की जो कोशिश करता हूँ उस पर मेरा बड़ा समय व्यर्थ होता है। तुम सारे लोग सदगुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जाने क्या क्या इकट्ठा कर रखे हो, और उससे तुम मुक्त होने को तैयार नहीं हो। अगर उससे तुम खाली होकर बैठ जाओ आज, तो मैं वचन देता हूँ मैं आज ही परम आनंद की तरंग तुम्हारे जीवन में पैदा कर सकता हूँ। खाली हो जाओ, रिक्त हो जाओ, कोरे हो जाओ। जब तुम कोरे कागज हो जाते हो तभी सदगुरु के हस्ताक्षर उस पर संभव हो पाते हैं, अन्यथा नींद में सोए सोए यहाँ आते हो, सोए सोए मुझे सुनते हो, फिर सोए सोए चले जाते हो। तुम्हारी नींद तोड़ना चाहता हूँ। नींद कैसे टूटे, आज नींद तोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण सरलतम उपाय तुम्हें बताना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति इतना नासमझ, इतना गरीब नहीं कि इस उपाय को, इस साधना को, इस अभ्यास को कर नहीं सकता। अगर ज़िंदगी में कुछ असाधारण पाना चाहते हो
जो तुम्हारी संभावनाएं हैं, अगर उन्हें साकार करना चाहते हो तो जो महासूत्र आज देने जा रहा हूँ इसका निरंतर अभ्यास करना शुरू कर दिया, रोज रोज अभ्यास करना शुरू कर दिया तो विराट क्रांति आपके जीवन में पैदा हो सकती है, वो भी आज यही इसी क्षण। इसके लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है एक समय में आप एक ही काम कर सकते हैं, एक साथ दो काम नहीं कर सकते। लेकिन आप सबकी आदत है एक साथ कई जगह उलझे रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ एक समय में सारी ऊर्जा एक ही काम में लगा दें, उस काम को करते समय आप पूरी तरह होश से भर जाएंगे, और जितनी देर उस काम को करें आपके पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी ऊर्जा उसी काम में लगी रहे, किसी दूसरे काम में नहीं। जैसे मुझे सुन रहे हैं, मुझे सुनते समय सिर्फ मुझे सुने, सिर्फ सुनना और सुनना, मुझे सुनना, इसके अलावा और कोई दूसरा कार्य और कोई दूसरी बात आपके चित्त में ना हो तो मुझे सुनना होश पूर्ण कृत्य हो जाएगा आपके जीवन का। तो जितनी देर यहाँ मुझे सुन रहे हैं मुझे सिर्फ सुने, चित्त को इधर उधर कहीं और न जाने दें। अगर घर में कभी पानी पी रहे हैं, पानी पीते समय सिर्फ पानी पीना, सारी ऊर्जा पानी पर केंद्रित हो जाए। भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय सिर्फ भोजन, भोजन के अलावा और कोई दूसरी चीज चित्त में ना आए तो भोजन करना होशपूर्ण कृत्य हो जाएगा। जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं में, छोटे छोटे कामों में अपनी पूरी ऊर्जा उड़ेल दें और फिर चमत्कार देखें। जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी में आनंद की तरंग पैदा हो जाएगी। मैं कहता हूँ सीधे इस छोटे छोटे कृत्य के प्रति होशपूर्ण हो जाए। लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव ध्यान में मन नहीं लगता है। मैं कहना चाहता हूँ पहले ध्यान का अर्थ समझ लो। ध्यान का अर्थ एक बार आपकी समझ में आ गया तो ध्यान के लिए कोई घंटे आधे घंटे अलग से बैठने की जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा प्रभु ध्यान का अर्थ क्या है, उन्होंने कहा जिंदगी के हर कार्य को ध्यान पूर्वक करना, यही ध्यान। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी में एक ही तुम्हारी संभावना है कि तुम्हारा जीवन ध्यान पूर्ण हो जाए। अगर तुम्हारा जीवन ध्यान पूर्ण हो गया तो तुम मनुष्य होने के लायक योग्यता प्राप्त कर लेते हो, अन्यथा आप में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। जब आप ध्यान पूर्ण होते हैं तब आपकी जिंदगी में एक नया आयाम जुड़ता है, उस आयाम का नाम है धर्म। ना तो मंदिर जाना धर्म है, ना मस्जिद जाना धर्म है, ना गुरुद्वारे के चक्कर काटना धर्म है, ना गिरजाघर और सिनेगा में घंटियां बजाना धर्म है। धर्म है जीवन के हर कृत्य को होश पूर्वक करना। होश के रूप में ही जीवन में धर्म का आगमन होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिंदगी में असाधारण सफलताओं को प्राप्त करने के लिए भी जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका नाम है ध्यान, उसका नाम है फोकस। ध्यान यानी फोकस। आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस जहाँ होता है वहीं पर आपकी सारी ऊर्जा चली जाती है। एक समय में फोकस एक जगह पर है तो सारी ऊर्जा उस जगह पर केंद्रित हो जाती है और उसके व्यापक परिणाम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा कभी एक बिंदु पर फोकस नहीं होती है, बिखरी बिखरी रहती है, इसीलिए जिंदगी में कोई असाधारण परिणाम नहीं पैदा कर पाती। मैं ध्यान को पूरे जीवन से जोड़ना चाहता हूँ, ध्यान को जीवन के सारे कृत्यों से जोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारी आँख खुली रहती है लेकिन बड़ा अद्भुत सत्य है कि खुली आँखों के बावजूद तुम नींद में सोए रहते हो, गहरी नींद में रहते हो।
आंखें खुली हैं, नींद में हो, आंखें खुली हैं, सोए हो। एक ही उपाय है, एक छोटी सी साधना देता हूँ, क्या? जो भी काम करो उस समय पूरी ऊर्जा उसी काम में लगा दो, वह कृत्य आपके जीवन में धीरे धीरे आनंद पैदा करने लगेगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है, शुरू करेंगे प्रारंभ में कठिनाई आएगी, होशपूर्ण होना चाहेंगे लेकिन क्षण भर में होश भंग हो जाएगा, इधर उधर भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब से पैदा हुए हो तब से तुम्हारी आदत है बेहोशी में जीने की, और इसी जीवन में ही नहीं, इसके पहले भी जो जो जीवन आपने जिया है उसमें भी ऐसे ही बेहोशी में जीते रहने की आदत रही है, इसलिए होश को तुरंत साध पाना कठिन होगा। लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा शुरू करो, जैसे प्रातःकाल सोकर उठते हो, एक संकल्प ले लो, प्रातःकाल सोकर उठते ही, कोई 6 बजे उठता है, कोई 6:30 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, जब भी सो के उठते हो उससे मेरा कोई विरोध नहीं, जब भी सोकर उठो, और 3 घंटे का संकल्प ले लो कि सोकर उठने के बाद 3 घंटे मैं जो भी काम करूँगा उस हर काम को होशपूर्वक करूँगा। छोटे छोटे 10-20-25-30 काम करते होंगे आप, कभी पानी पी रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? चाय पीते हैं आप लोग। अब आपने संकल्प किया कि हम 6 बजे उठेंगे तो 3 घंटे हम साधना करेंगे, किस चीज़ की? होशपूर्ण जीवन जीने की साधना। ये धर्म का प्राण है, धर्म का सार है, आप इस साधना को करो, गीता कुरान बाइबल सब तुम्हारे भीतर उतर जाएंगे, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। कृष्ण का जीवन क्या है? जागा हुआ जीवन। बुद्ध का जीवन क्या है? जागा हुआ जीवन। महावीर का जीवन क्या है? जागा हुआ जीवन। और वो जागा हुआ जीवन तुम्हें भी उपलब्ध हो सकता है। कैसे? एक छोटा सा उपाय बता, प्रातःकाल सोकर उठो, हर व्यक्ति लगभग चाय पीता है, चाय पीते समय एक एक घूंट चाय का ऐसे पियो कि चाय के स्वाद के अलावा और किसी दूसरे चीज़ पर तुम्हारी चेतना जाए ही नहीं, तुम्हारा होश चाय के स्वाद पर केंद्रित हो जाए। जितनी देर चाय का प्याला तुम्हारे हाथ में हो उतनी देर सारी ऊर्जा चाय के स्वाद पर केंद्रित हो जाए। आप एक बार ऐसा करके देखो, चाय का स्वाद 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और चाय तुम रोए रोए से पियोगे, तुम्हारा रोवा रोवा चाय का स्वाद लेगा। अभी भी चाय वही पीते हो लेकिन चाय को अगर होशपूर्वक पीने की कला का अभ्यास करो तो बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। वो अंतर तुम अपने प्राणों से अनुभव कर सकते हो, अनुभव करके देखो। ऐसे 3 घंटे के लिए जो भी कृत्य करो, मैं कुछ नहीं अलग से कह रहा हूँ कि ये करो या वो करो, जो भी करते हो, भगवान बुद्ध कहते हैं जो भी कृत्य करो उसी को होशपूर्वक कर लो, तुम्हारा पूरा जीवन ही ध्यान में हो जाएगा। आपसे मैं एक महत्वपूर्ण सत्य कहना चाहता हूँ, आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है आपके मन की शक्ति, योर माइंड पावर। और आपको पता है अनंत शक्तियों का स्रोत आपके भीतर निहित है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा यद यद ब्रह्मांडे तत् तत् पिंडे, आपका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है, मिनीएचर फार्म ऑफ दिस यूनिवर्स। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है सब आपके मस्तिष्क में समाया हुआ है, लेकिन आपके मस्तिष्क की जो अनंत शक्तियां हैं उसका बहुत थोड़ा सा अंश 3% से 5% तक आप उपयोग कर पाते हैं, बाकी सारी शक्तियां आपकी सोई पड़ी रह जाती हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है वो व्यक्ति उतना ही अधिक असाधारण व्यक्ति बन जाता है, असाधारण उपलब्धियां उसके जीवन में प्रकट होती है। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपके मन के अगर 2 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा है चेतन मन और दूसरा हिस्सा है अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन की शक्ति है 10% और अचेतन मन की शक्ति है 90%। आप अपनी पूरी जिंदगी इस चेतन मन के तल पर जीते हुए चले जाते हैं, जो अचेतन मन की शक्तियां हैं उनसे आपका कभी संपर्क नहीं हो पाता है।
इसलिए अचेतन मन की शक्तियों का उपयोग आप पूरे जीवन भर नहीं कर पाते हैं। और ये अचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर योर अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। आपके अनकॉन्शियस माइंड के भी दो हिस्से हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड ऊपर वाला हिस्सा, और भी उसके गहरे तल पर जो है वो अनकॉन्शियस है। ये पूरा जो अनकॉन्शियस माइंड है आपका, अचेतन मन है, ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी शक्तियाँ आपको उपलब्ध नहीं होती। इसकी शक्तियाँ आपको उपलब्ध हो सकती, कैसे उपलब्ध होती? जब आप होशपूर्वक जीवन जीते हैं, होशपूर्वक हर कृत्य को करते हैं, तो धीरे धीरे ये अचेतन मन जागना शुरू हो जाता है। ये अचेतन मन जब आप होशपूर्वक जिएंगे, हर कृत्य को होशपूर्वक करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो 90% है इसका 10% जागेगा, फिर इसका 20% जाग जाएगा, फिर अभ्यास करते करते 30% जागेगा, फिर 40% जागेगा, फिर 50% जागेगा, फिर 60% जागेगा। ऐसे धीरे धीरे पूरा पूरा होश पूर्वक जीवन जीने का अभ्यास करते करते एक दिन आप पाएंगे कि जब ये पूरा पूरा जाग जाता है, यानी पूरा पूरा अचेतन मन प्रकाशित हो जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? उसी अवस्था को कहते हैं बुद्धत्व की उपलब्धि, अचीवमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। वही जो भगवान बुद्ध को हुआ था, वही जो महावीर को हुआ था, वही जो कृष्ण को हुआ था, वही जो क्राइस्ट को हुआ था, जो मोहब्बत को हुआ था, वही संभावना तुम्हारी भी है। यानी ये पूरा पूरा जब आपको अचेतन मन की शक्तियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, अचेतन मन पूरा प्रकाशित हो जाता है, ये सिर्फ होशपूर्वक जीवन जीने से प्रकाशित होता है। और जब ये पूरा प्रकाशित हो जाता है, तो उसी अवस्था को कहते हैं आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया, उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, उसी को कहते हैं मुक्ति, उसी को कहते हैं मोक्ष। और वो उपलब्ध होता है इसी जीवन में, उस जीवन में नहीं जब आप शरीर को छोड़ देते हैं, जो उपलब्ध होता है इसी जीवन में होता है। तो तुम कितना जाग सकते हो, सारा खेल इस चेतना का है। और तुम अपने अचेतन मन को कितना सक्रिय कर सकते हो, जितना अचेतन मन को सक्रिय कर लेते हो उतनी ही बड़ी उपलब्धियां तुम्हें इस जीवन में प्राप्त होती हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपने अपने सपने, और जिंदगी भर तुम अपनी आकांक्षाओं को, अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहते हो, लेकिन पूरी जिंदगी उन्हीं सपनों के पीछे पड़े रहते हो, सपनों को पूरा नहीं कर पाते हो, सपनों को साकार नहीं कर पाते हो। कारण क्या है? कारण कि तुम अपने अचेतन मन की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते हो। इसीलिए सिद्ध कामना क्रिया के नाम पर मैंने आपको वो विज्ञान उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से तुम अपने अचेतन मन की अधिकतम शक्तियों का सरलतम ढंग से प्रभावशाली उपयोग करने में सक्षम हो सकते हो। इस क्रिया का अभ्यास करके आप असंभव से असंभव, असाधारण से असाधारण आकांक्षा को भी पूरा कर सकते हो। आपकी सारी आकांक्षाएं सामान्यतः आपके चेतन मन में पड़ी रहती हैं, और चेतन मन में ही पड़े पड़े ख़त्म हो जाती हैं, वो कभी साकार नहीं हो पाती, आधा अधूरा साकार होती, या छोटी मोटी आकांक्षाएं साकार हो जाती हैं, जो चेतन मन की शक्ति से ही संभव हो सकता है उतना हो पाता, लेकिन अचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने से जो असाधारण उपलब्धि हो सकती है उससे आप वंचित हो जाते हैं। कैसे संभव है कि आप अपनी चाह को, अपनी आकांक्षा को, अपनी प्यास को सरलता से साकार कर लें? जब आप अपने चेतन मन की चाह को अपने अचेतन मन तक पहुंचा देते हैं, आपके चेतन मन की आकांक्षा आपके अचेतन मन को उपलब्ध हो जाए, बस इतने भर से बहुत बड़ा काम हो जाता है। अचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वो ब्रह्मांड की शक्तियों से तालमेल करके आपकी चाह को, आपकी आकांक्षा को, आपके सपने को असलियत में साकार कर देता है। आपकी पलकें हमेशा झपकती रहती है। कौन करता है इस काम को? आपका अवचेतन मन करता है। आपकी श्वास निरंतर चलती रहती है। कौन आपकी श्वास को चलाता है? आपका अवचेतन मन चलाता है। आपका भोजन पचता रहता है। इतना असाधारण कार्य कौन करता? आपका अवचेतन मन आपके भोजन को पचाता है। आपका खून 24 घंटे लगातार सर्कुलेट रहता है, दौड़ता रहता है आपके शरीर में। इस खून को कौन दौड़ाता है आपके शरीर में? आपका अवचेतन मन दौड़ाता है। ये आपका ओबेडियंट सर्वेंट है। कोई बड़ी नौकरी पाना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, कोई मनचाहा जीवन साथी पाना चाहता है,
कोई बड़ा मकान बनना चाहता है, कोई बड़ी कार बनना चाहता है, ये सब आकांक्षाएं। इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रभावशाली उपाय है कि आप इन आकांक्षाओं को अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन में पहुंचा दें। अवचेतन मन में आपकी आकांक्षा, आपकी चाह पहुंच गई, इतने से आपका काम सिद्ध हो जाता है और अवचेतन मन आपके उस सपने को, उस आकांक्षा को साकार करने में लग जाता है। ये कैसे संभव है, कैसे पहुंचाएं इसको चेतन मन से अवचेतन मन में? पहला उपाय मैंने बताया आपको कि डायमंड डायरी का उपयोग करें। प्रातःकाल सोकर उठते ही डायमंड डायरी को लिखें, व्हाट आई वांट टू अचीव, और दाहिने पेज पर लिखें आई एम थैंकफुल फॉर, 10 चीज़ें जिनके लिए तुम परमात्मा को धन्यवाद देना चाहते हो। क्योंकि जब तुम धन्यवाद देते हो तब तुम उन चीज़ों को पाने के पात्र बन जाते हो जिन चीज़ों को आपने लिखा है कि आप पाना चाहते। बस इतना काम, 5 मिनट बाएं पेज पर लिखना व्हाट आई वांट टू अचीव, दाहिने पेज पर लिखना आई एम थैंकफुल फॉर, ऐसी 10 चीज़ों की सूची बना देना और रात में सोते समय उसको पढ़ते पढ़ते सो जाना। जब आप सोकर उठ रहे होते हैं ठीक उसी समय लिखना, वह चेतन मन और अवचेतन मन का मिलन बिंदु है, मीटिंग पॉइंट है। उस समय चेतन मन की चाह को आप लिखते हैं, वो अपने आप सरक जाती है अवचेतन मन में, और रात में पढ़ते पढ़ते उसे सो जाए। जब रात में सोने जा रहे होते हैं वो भी चेतन मन और अवचेतन मन का मिलन बिंदु है, मीटिंग पॉइंट है। उस समय उन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे तो आपकी चाह आपके चेतन मन से अवचेतन मन में पहुंच जाएगी। ऐसे निरंतर करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि एक दिन पूरी पूरी चाह चेतन मन से अवचेतन मन में पहुंच गई और अवचेतन मन उसको साकार करने लगता है। ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं, ऐसे लोग टकराने लगते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए उसके मिलने के सारे आयाम प्रकट होने लगते हैं। और दूसरा शक्तिशाली उपाय है, आप जब चाहें उसी समय चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचा सकते हैं। उसका उपाय है सिद्ध कामना क्रिया। जो श्रद्धा और समर्पण भाव से इसका अभ्यास करते हैं, ऐसे सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में मुझे लोग मिलते हैं जो कहते हैं गुरुदेव चमत्कार हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि इस डायमंड डायरी और सिद्ध कामना क्रिया के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी की हर मनचाही चीज़ को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका आप अभ्यास करें और धीरे धीरे इसका अभ्यास आपके जीवन में परम आनंद के रूप में परमात्मा को भी उपलब्ध करा सकता है।